नंबर वन, जैसा मैंने कहा कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में किया गया। मैंने आपको बताया दोस्तों कि कर्नाटक के सीएम नए बने हैं दोस्तों बसराज बोम्मई, एंड यहाँ के गवर्नर जो बने हैं दोस्तों वो पहले कैबिनेट मंत्री थे, तो थावर चंद्र गहलोत जो बने दोस्तों नए गवर्नर बने हैं कर्नाटक राज्य के। एंड कर्नाटक का दोस्तों अगर आपसे बात किया जाए मैजिक नंबर, मतलब इसके पास 28 लोकसभा सीट है, आपका 12 राज्यसभा सीट है, 224 विधानसभा सीट है, एंड 75 लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ये सीटें आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों कौन है, तो वो कर्नाटक हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों कौन हो जाएगा, तो वो भी आपका कर्नाटक ही हो जाएगा। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु, 2020 में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाली कंपनी है। फ्लिपकार्ट का भी हेडक्वार्टर दोस्तों यहीं पर है, जो कि बेंगलुरु में। क्वेश्चन दूसरा दोस्तों, सीएसआईआर के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, शेखर मंडे। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश, यूपी। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन दोस्तों? तो आनंदीबेन पटेल। यहाँ के चीफ जस्टिस बदले जा चुके हैं, तो अब जो नए चीफ जस्टिस बदले दोस्तों वो हैं राजेश बिंदल। ठीक है, कहाँ से आए हैं दोस्तों? पहले ये वेस्ट बंगाल के थे, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश के हो गए। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है 80, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है 31, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है 403, और सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें हैं 100। इन चारों को याद कर लीजिए, सारे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जितने बता रहा हूँ सबको याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहा है आपके परीक्षा में। क्वेश्चन चौथा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये है आपका महाराष्ट्र में। एंड दोस्तों इसको इस्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1935 में ना, 1 अप्रैल 1935। और इसके तत्कालिक मतलब 25वें गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों कौन है? तो इनका नाम याद रखेंगे, शक्तिकांत दास, जो कि तत्कालिक गवर्नर है। चार इसके एमडी होते हैं, जस्ट लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा अधिनियम है दोस्तों? तो अगर आपसे अधिनियम पूछेगा तो 1934 अधिनियम के तहत दोस्तों इसको बनाया गया, और 1937 के बाद मुंबई शिफ्ट हुआ था। पहले इसकी राजधानी जो थी, मतलब इसका जो मुख्यालय था, वो कोलकाता हुआ करता था, लेकिन 1937 के बाद क्वेश्चन आया हुआ है कि 1937 बाद कहां शिफ्ट किया गया, तो मुंबई को शिफ्ट किया गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वॉन्डर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और मैंने बताया था बिहार के जो सीएम दोस्तों नीतीश कुमार हैं, वो 7 बार सीएम बन चुके हैं। गवर्नर का नाम पूछा जाएगा दोस्तों तो फागू चौहान, एंड चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? तो संजय करोल है बिहार। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की दोस्तों स्थापना हुई थी कब? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सन 1906 में, याद रखेंगे। एंड बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। एचएसबीसी दोस्तों हांगकांग जो ये वित्तीय वर्ष एचएसबीसी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया दोस्तों? तो ये जो है आपका 11.2% रहने का अनुमान लगाया है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आठवां क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन थे, याद रखेंगे। नवा क्वेश्चन देखिए, पूरी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई दोस्तों? तो असम में रखी गई। एंड आपको पता है मैंने कि असम के सीएम के बारे में बता दिया है दोस्तों, ये हैं आपके हेमंत विश्वा शर्मा। असम के गवर्नर के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, ये कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके जगदीश मुखी। एंड एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों फेमस है कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में ही है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों माजुली भी आपका असम में ही है। और दोस्तों असम का मैजिक नंबर है 14, यहाँ पे लोकसभा सीट है 7, राज्यसभा सीट है, एंड 126 दोस्तों यहाँ पे विधानसभा सीट है। रिसेंटली दोस्तों कहाँ के तेजपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया? तो असम के ही तेजपुर के लीची को जीआई टैग दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, पक्षियों के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। 11वां क्वेश्चन देखिए, किस देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स किया? तो भारत के द्वारा ही किया गया। मैंने आपको बताया दोस्तों नेवी दिवस, तो नेवी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को, जिसमें देखिए कृष्ण स्वामी नटराजन एडमिरल करमवीर सिंह जो इसके हेड हैं, और कृष्ण स्वामी नटराजन जो है वो 1 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, कोस्ट गार्ड दिवस उसके हेड हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों आर्मी दिवस, तो हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं, मनोज मुकुंद रनवाड़े उसके हेड हैं। एंड वीआर जो है श्रीवास्तव नए बने हैं एयरफोर्स के, जो कि हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। सारे डेट याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ईबुक मैंने बनाया है, जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए दोस्तों। मैथ का मैंने 5 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है, स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022, जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 5 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन।
रीड। अच्छा दोस्तों, जीके जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सिमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ईबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ईबुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपके परीक्षाओं के लिए, और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ईबुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है दोस्तों। इन सभी ईबुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जापान की संसद को हम लोग क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय डायट के नाम से जानते हैं। ड्यूमा कहां की संसद बोलते हैं? रसिया को। सीनेट कहां की संसद का दोस्तों नाम है? तो ये आपका यूएसए के। नेसेट कहां के संसद का नाम है? इजराइल के। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मजलिस कहां के संसद का नाम है? तो ईरान का, और ईरान और मालदीव का। अगर आपसे पूछा जाएगा जातीय संसद कहाँ के जो कि संसद का नाम है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम है। 13वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति का अभियान शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश दोस्तों स्टेट एनिमल कौन है? आपको मैंने बताया था बारह सिंघा। एंड उत्तर प्रदेश में दोस्तों जिले कितने हैं? तो 75 जिले हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश का पुष्प कौन है दोस्तों? तो पलास। एंड सारस जो है यहाँ का पक्षी है। मैं बार बार ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको जब तक मैं बताऊंगा नहीं, मैं रिवाइज करवाऊंगा नहीं, आपको याद नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिए। मैं एक क्वेश्चन साथ बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ जैसे कि आपको याद हो। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, प्रश्न आ चुका है। और पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनी दोस्तों कौन? तो सुजाने क्लार्क। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल दोस्तों कौन है? गोबी। ठीक है, गोबी कहाँ दोस्तों? अटाकामा। चिली में दोस्तों कौन सा है? अटाकामा में ना, मंगोलिया में है ये। थार दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान में। एंड सहारा दोस्तों कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। बायो एशिया किस राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन दोस्तों? तो तेलंगाना राज्य। मैंने आपको बताया था सबसे नवीनतम राज्य, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना ही है जिसको 2 जून 2014 को एस्टैब्लिश किया गया। इसके सीएम दोस्तों के चंद्रशेखर राव और गवर्नर दोस्तों कौन है? तमिलिसाई। यहां पे देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो 17719, ये आपको पता ही होगा, 17 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट, 119 विधानसभा सीट है। यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है 40, याद रखिएगा। कांजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहां है? मैंने बता दिया असम। इसके अलावा डिब्रू साइखोसा, मानस, नामेरी, ओरंग, ये भी नेशनल पार्क आपके असम में ही है। 19वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय एथलीट हिमा दास का संबंध जो कि किस राज्य से है? तो असम के ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त की गई, तो असम। इनको ढिंग बोलते हैं क्योंकि ये ढिंग जिले से आती हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं, फीफा कप किस देश में सबसे ज्यादा बार जीता है दोस्तों? तो ब्राजील ने। अगर आपसे पूछेगा कितनी बार, तो 5 बार जीता है। 21वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया? दोस्तों महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों कौन है? तो दीपांकर दत्ता। 48 यहां का लोकसभा सीट है, 19 यहां का राज्यसभा सीट है, 288 यहां का विधानसभा सीट है, एंड 78 यहां के विधान परिषद की सीटें हैं जो कि काफी बार पूछा गया। एंड दोस्तों कबूतर जो है यहां का वो है, एंड बर्ड है, गिलहरी जो है दोस्तों यहां का एनिमल है, याद रखेंगे। फल अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैंगो है। दोस्तों मैं लगातार बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कम से कम इतना आप जरूर दबाया करें इस बटन को। एंड कहीं ना कहीं कोई भी एक शेयर करके आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी फेसबुक टेलीग्राम जो भी आपके दोस्त यार मित्र रहते हैं, एंड क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि टिल द एग्जामिनेशन आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, आपको एक दिन भी मिस नहीं होगा। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों वो मैं सारे डिलीवर करूँगा, आपको बस रिवीजन करके जाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। आगे बढ़ते दोस्तों, वैन का पूरा नाम दोस्तों क्या है? कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। 23वां क्वेश्चन देखते हो, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो YS जगनमोहन रेड्डी दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तत्कालिक सीएम है। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? तो यह विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, इनको भी एक अवार्ड दिया गया, कलिंगा अवार्ड दिया गया 2021 का, ये भी याद रखेंगे। कोबोल दोस्तों क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है। कंचोत त्यौहार दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर टोटल 20 जिले हैं। एंड तत्कालिक दोस्तों यहाँ पे LG का नाम पूछेगा, तो ये है मनोज सिन्हा। कंपाइलर दोस्तों क्या होता है? तो कंपाइलर एक प्रोग्राम है। अच्छा, 27वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो अजय मल्होत्रा को बनाया गया है। कैट का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का देखिए फेलिस कैक्टस बोलते हैं यहाँ पे।
अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया दोस्तों, चेन्नई में किया है। यहाँ पे डीआरडीओ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एंड इसके हेड का नाम आपसे पूछेगा दोस्तों तो सतीश चंद्रा याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिकैस बीमा शुरू करने के लिए लेख किसके साथ साझेदारी किया दोस्तों, तो ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी किया। अरावली पहाड़ियाँ दोस्तों किस राज्य, अरावली पहाड़ियाँ तो यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र राज्य में नहीं आती, वैसे अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य में होना चाहिए, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, मैक्सिमम विस्तार। और इसकी सबसे छोटी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्वेश्चन आया तो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर की, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नया अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, तो SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। नमक का रासायनिक नाम हमसे पूछा है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे ये है आपका सोडियम क्लोराइड। RBI ने रेपो रेट को पहले की जो कि पहले की तरह प्रतिशत बरकरार रखा, तो कितना प्रतिशत था दोस्तों, तो ये दोस्तों 4% था। यहाँ पे रेपो रेट मतलब जो बैंक RBI से पैसे लेती है उस पर इंटरेस्ट देती है, उसको हम लोग रेपो बोलते हैं। रिवर्स में क्या होता है कि कभी कभी RBI बैंकों से जैसे गोल्ड या फिर पैसे लेती है, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट उनको देती है ब्याज। प्रशांत महासागर था, अटलांटिक महासागर में कौन सी नदी जुड़ती है, तो पनामा नहर जुड़ती है। देखिए किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया का पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 को लॉन्च किया दोस्तों, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। एंड अमेरिका के 46वें दोस्तों आपको मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट बने कौन, जो बाइडन। एंड 49वीं जो कि भारतीय मूल की बनी है दोस्तों कौन है, कमला हैरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों किस नदी के द्वारा बनता है, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। क्वेश्चन बहुत बार आया भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है, गंगा। ये भारत में कितनी बहती दोस्तों, तो 25-10 ही बहती है, लेकिन इसकी एक्चुअल लंबाई जो है वो 25-25 है। ब्रह्मपुत्र की एक्चुअल लंबाई है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में मात्र 916 किलोमीटर ही बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू किया दोस्तों, तो राजस्थान। यहाँ पे याद रखेंगे राजस्थान के CM दोस्तों कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों कलराज मिश्रा। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं, GST किस प्रकार का टैक्स है दोस्तों, ये एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। राजस्थान के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती चेंज हो गए हैं, ठीक है, जो त्रिपुरा के थे अब आ गए हैं, तो क्या बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन चेंज हुए हैं। 41वां, ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश का सबसे लंबे रोड ब्रिज का निर्माण दोस्तों ठेका किसने लिया, तो LNT लॉरेंस एंड टर्बो। इसके मुख्यालय दोस्तों मुंबई है, SN सुब्रमण्यम इसके हेड हैं। और ये देखिए जो कि आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, और जो राम मंदिर बन रहा है उसका भी निर्माण LNT ही करा रही है। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों एकदम अच्छे से डिलीवर करूंगा, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और सारे वीडियो जितने भी मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल रहा हूँ एक वीडियो को छोड़िए मत। आप अगर SSC GD तक पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सब कुछ मैं कंप्लीट कराने का प्रॉमिस कर चुका हूँ दोस्तों। विप्रो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, बेंगलुरु, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की। गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक बने दोस्तों कौन, तो विक्रम सिंह वेदी। गूगल के दोस्तों फाउंडर कौन है, तो लैरी पेज एंड सर्जेई ब्रिन। एंड गूगल के CEO दोस्तों कौन है, तो चेन्नई के ही रहने वाले ये बालक हैं जो कि NRI है, तो इनका नाम क्या है, सुंदर पिचाई। 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन कहां पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। और मैं आपको बता दूं 1919 में ही दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। 45वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। ठीक है, वज्र प्रहार भी इन्हीं के बीच में हुआ था। कामाख्या माता मंदिर दोस्तों कहां पे स्थित है, ये असम में स्थित है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो दोस्तों ये बने हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के डेप्यूटी CM है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के CM है और ये डेप्यूटी CM है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए, 48वां क्वेश्चन, पेटा अवार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, दोस्तों ये 1980 में हुई थी। और दोस्तों हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था पेटा, कौन से मुख्यमंत्री को दोस्तों, तो नवीन पटनायक को दिया गया था, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। 49वां देखिए, कॉन्वेक्स पहल के तहत मुक्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश दोस्तों कौन बना था, घाना बना था। 50वां देखिए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों कौन है, हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पे है, लद्दाख में है, जी हाँ। 51वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस राज्य की सरकार महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना लॉन्च करेगी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको लॉन्च करेगी। इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ मैं। बोलो ILO का पूरा नाम दोस्तों क्या है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा दोस्तों 1919, और इसके हेड का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये है गाय राइडर, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53वां देखते हैं दोस्तों, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के में भारत GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो -7%। 54वां, पुलित्जर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। 55वां देखिए दोस्तों, उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया, दोस्तों ये बिहार राज्य में किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 56वां क्वेश्चन देखते दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित है, दोस्तों पुर्तगाल। और मैंने आपको बताया था दोस्तों पुर्तगाल हमारे भारत में एक राज्य जो था गोवा
उसको 1961 तक गुलाम बनाया, इसी में देखिए गोवा को आजाद कराया गया और उसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। गोवा के तत्कालीन सीएम दोस्तों कौन है, प्रमोद सावंत, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई एंड चीफ जस्टिस कौन है, दीपांकर दत्ता। दो लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीट है गोवा में, भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन देखिए 57 को हमारा क्या दोस्तों, घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों, तो ये भारत ही करेगा यहाँ पे। 18 क्वेश्चन बाबरनामा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, बाबर, और बाबर का मकबरा दोस्तों कहाँ पे है, क्वेश्चन आया बहुत बार, तो ये काबुल में है, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन दोस्तों किस राज्य में किया जाएगा, दोस्तों ये तमिलनाडु में किया जाएगा। तमिलनाडु के दोस्तों सीएम का नाम पूछेगा दोस्तों कौन है, तो ये है एम के स्टालिन, एंड यहाँ के गवर्नर नए बने दोस्तों ये कौन है, आर एन रवि। यहाँ पे देखिए लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 19, 234 विधानसभा सीट है तमिलनाडु में, और यहाँ के डिंडीगुल ताले को जीआई टैग दिया गया। साढ़ा क्वेश्चन देखिए किस गवर्नर जनरल के समय विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिन के संबंध में। दोस्तों मेरा एक और चैनल है ओम जायसवाल, जो मेरे ही नाम से है, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा। वहां पे दोस्तों लगातार जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक को कवर किया जा रहा है, तो सारे टॉपिक जीके जीएस करंट अफेयर्स के जो भी हैं आपको वहां पे कवर किए जा रहे हैं, क्योंकि इस पे मैं 3 वीडियोस ज्यादा नहीं डाल सकता तो नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है, तो आप लोग उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बाकी सारे लिंक जो इंपॉर्टेंट ईबुक के हैं वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे। 61वां क्वेश्चन ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अब नहीं है, अब है मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री। 62वां देखिए एससीयू की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो ये 2005 में हुई। 63वां देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इनका नाम है निहार जम्बूसारिया। 64वां देखिए संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो ये आर्टिकल नंबर 300A में है, जिसको उखाड़ के फेंका गया है 19F से ना, और ये जो हुआ था अमेंडमेंट, ये हुआ था 1978 में भारत का 44वां संविधान संशोधन, जिसको संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट में डाला गया था। 65वां क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में किया गया, जहां के सीएम दोस्तों ममता बनर्जी हैं एंड गवर्नर दोस्तों जगदीप धनखड़ हैं एंड प्रकाश श्रीवास्तव करके नए आए हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस, यहाँ के चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश में चले गए हैं, ठीक है। तो कौन थे, नाम बताया था राजेश बिंदल। आग्नेय सेल कौन सी दोस्तों है, यहाँ पे ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ग्रेबो डाय, ये सारे के सारे। किस देश की पुरुष टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है, तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों 68वां, पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य दोस्तों कौन है, तो तमिलनाडु ही है। 69वां देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में सीएम दोस्तों अरविंद केजरीवाल हैं एंड गवर्नर कौन है, अनिल बेजल। 7 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है एंड 70 यहाँ पे विधानसभा सीट है। जोग जलप्रपात का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, तो जोग गढ़सोप्पा बोलते हैं। 71वां देखिए किस राज्य की सरकार ने, और ये कर्नाटक में है, सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दोस्तों तत्कालीन सीएम का नाम पूछे दोस्तों तो ये भूपेश बघेल हैं, एंड यहाँ के गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा तो अनुसुईया उइके। क्राई संस्था का संबंध दोस्तों किसे है, तो बाल विकास, बाल अधिकार से है। वियतनाम देश ने दोबारा राष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं, तो गुलेन फू ट्रोंग को फिर से राष्ट्रपति बना दिया गया है वियतनाम का। अच्छा आगे बढ़ते हैं 74 देखते हैं किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा दोस्तों, तो हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, सीएम मनोहर लाल खट्टर याद रखेंगे, एंड बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। 75वां देखिए ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया, आत्मनिर्भर। 76वां देखिए अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल का रोट कितना रखा गया है, तो 3 रुपया पर केजी रखा गया है। 77वां देखिए भारत में किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2021 को अपने 73वें स्वतंत्रता दिवस को बनाया दोस्तों, तो ये देखिए श्रीलंका, और दोस्तों इसको एक नया देश का दर्जा दिया गया था 1948 को, और पाकिस्तान को दिया गया था, बांग्लादेश को दिया गया था 1971 में। लिंगराज मंदिर दोस्तों किस शैली से बना हुआ है, तो ये देउल शैली से बना हुआ है लिंगराज मंदिर, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पिरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की दोस्तों, तो SpaceX, जो कि एलन मस्क इसके हेड हैं, और इसका निर्माण किया गया था 2002 में। 80वां देखिए नीला थोता किस नाम जानते हैं दोस्तों, तो कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। 81वां क्वेश्चन देखिए बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने जो कि मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, टोटल 7। 82वां क्वेश्चन देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य का प्रमुख हिस्सा है दोस्तों, गुजरात। गुजरात के नए सीएम बने दोस्तों भूपेंद्र पटेल एंड सत्यदेव आचार्य देवव्रत सिंह गुजरात के देखिए गवर्नर हैं, ठीक है याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों, तो ये बेंगलुरु में किया गया। 84वां क्वेश्चन देख लेते हैं कैलाश सत्यार्थी किस आंदोलन संबंधित दोस्तों, तो बचपन बचाओ आंदोलन से। 25वां देखिए भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में। 86वां देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम पूछा गया, जयराम ठाकुर एंड गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर। कैलाश सत्यार्थी को किस ईयर नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों, 2014 में मिला था।
किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्रेयी योजना को शुरू किया दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य ने। 88 देखिए, हवा को किससे मापा जाता है दोस्तों? एनीमोमीटर से दोस्तों हवा को मापा जाता है। 89 क्वेश्चन दोस्तों देख देते हैं, क्या है, किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है? चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों। इसके साथ हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम है हैंड इन हैंड, ना। और इसके साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? 3488 किलोमीटर की। 90वां क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गहराई दोस्तों हम लोग किससे मापते हैं? तो फेदोमीटर के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं। 91 में हम लोग पहुंच चुके हैं, नर्वस 19। बहुत सारे लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का। बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, आपको एक भी दोस्तों इधर उधर का बकवास वीडियो नहीं मिलेगा, सब के सब वीडियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपके परीक्षाओं के लिए। तो भारतीय डाक भुगतान बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं जे वेंकटरमू, और इसकी स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी 2018 में। सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। यहाँ के CM दोस्तों कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम पूछे दोस्तों तो ये हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, एंड चीफ जस्टिस है यहाँ पे मोहम्मद रफीक। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, AIFF के पहले उप महासचिव नियुक्त किए गए कौन? अभिषेक यादव। कोलेरू लेख दोस्तों कहां पे है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट और कोलेरू दोनों। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी एंड गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन, जिनको कलिंगा अवार्ड दिया गया 2021 का। क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क खोला जाएगा दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा के CM दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। एंड चीफ जस्टिस कौन है? S मुरलीधर। यहाँ पे जिलों की संख्या दोस्तों 30 है। कोड़ार का सूर्य मंदिर, पूरी जगन्नाथ मंदिर, चिल्का लेक, सारे का सारा दोस्तों यहीं पे है। 96 गर्भ में शिशु का पोषण किससे होता है दोस्तों? गर्भनाल। 97 क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने दोस्तों कौन? आदित्यनाथ दास। 98 देखिए, IDN का पूरा नाम दोस्तों क्या है? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम इसको बोलते हैं। 99 देखिए, 74वां प्रगति वार्ता का अध्यक्षता दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर दोस्तों कौन है? तो ये हैं आपके महावीर स्वामी। तो देखिए, ये थी आपके लिए मैंने ताबड़तोड़ सुपर 100, मैं रोज ला रहा हूँ आपके लिए 2-2, 3-3 100 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि आपका एग्जामिनेशन है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर करूँ, आप रिवीजन करके एग्जामिनेशन में जाओ और अच्छा स्कोर करो। टिल द एग्जामिनेशन आपको वीडियोज मिलते रहेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया, किसी प्रकार से हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे।